आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो लोन लिया जाता है इंस्टेंट लोन उसके बारे में। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोन देती है। आप यदि गूगल प्ले स्टोर पर चेक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे, लेकिन आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये जो ऐप आपको लोन देती है इसका ब्याज कितना है, यदि हम लोन लेकर पे नहीं करें तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनियां हैं लोन जो देती है इंस्टेंट लोन गूगल प्ले स्टोर के ऐप से जो आप लेते हैं लोन, उसमें क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या पे नहीं करने पर क्या होता है, इस विषय पर पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ये ऐप की जो इंस्टेंट लोन देती है। आपको यहां बता दें कि ये जो कंपनियां हैं आपको तो आसानी से लोन दे देगी, लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन काफी खराब हैं। लोन लेने के लिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। आप इस ऐप के जरिए 1000 से लेकर के 60000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन की। तो आप लोग जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने में टर्म एंड कंडीशन की पेज आती है जिसे कोई रीड नहीं करता है, कोई भी आदमी इसे पढ़ता नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है। इसके ब्याज की बात करें तो आपसे यहाँ पर आपसे 10% से लेकर के 33% तक इंटरेस्ट लिया जाता है। यदि आप 100 रुपये लेते हैं तो आपसे यहाँ पर 33% यानी कि 133 रुपये लिया जाता है। इसके साथ ही प्रोसेसिंग फी होता है, इसके अलावा आपको GST भी देना पड़ता है। जितने बार आप इससे लोन लेंगे उतनी बार आपसे प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपसे रुपए लिए जाएंगे। लेकिन यदि आप कहीं और से लोन लेंगे जैसे कि बजाज फाइनेंस से, तो आप सिर्फ एक बार ही प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपसे पैसा लिया जाएगा। अगर आपसे कोई किस्त छूट जाती है, मतलब आप उसे नहीं दे पाते हैं कोई कारण से, तो आपको यहां पर काफ़ी पैसे चुकाना पड़ेगा। जैसे आपने 1000 रुपये देना है, आपको 1000 रुपये देना है EMI के रूप में। अब आपको यहाँ पर 1400 या 1500 रुपये आपको लिया जाएगा, 1400 या 1500 रुपये आपको देना होगा। कुछ मामले में इस ऐप से लोन लेना सही भी है। यदि आपको बहुत ज़रूरी है और आपको जल्दी लोन चाहिए तो आप इससे लोन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है तो इससे लोन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं इस ऐप को इंस्टॉल करने पर आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली जाती है। आप इस ऐप को अबाउट सेक्शन को चेक करें तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक एक सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दूँ कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में जो भी ऐप इंस्टेंट पर्सनल लोन देती है उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखिए एक है ये ऐप, और इसको यदि आप यहाँ से अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कितना इसका क्या चार्जेज है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट अप टू, ये इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ आपको 33% यहाँ पर लिखा है, और आप GST 18%। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि 1000 पर आप यदि लेते हैं लोन तो आपको 1317 रुपये लगेगा, उसमें से आपका यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर ये इतना रुपया ले रहा है। तो ये आप यहाँ से इसको पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके यहाँ पर देखिए ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप क्या क्या सा ये परमिशन आपसे लेता है इंस्टॉल करने में। कैलेंडर का ले रहा है, कैमरा का ले रहा है, टेक पिक्चर एंड वीडियो, कंटेक्ट का ले रहा है, लोकेशन का ले रहा है, आपको टेलीफोन का ले रहा है, उसके बाद SMS का, उसके बाद स्टोरेज का और अदर का। आप यहां से इसके परमिशन को देख सकते हैं। उसी तरह से हम और भी ऐप जो इंस्टेंट लोन उपलब्ध कराती है यहाँ पर सर्च करें, जैसे कि आपको जेस्ट मनी करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इस ऐप के क्या क्या परमिशन लेता है अबाउट दिस ऐप में जा करके। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब नीचे चलेंगे और यहाँ पर परमिशन देख लेंगे, ऐप परमिशन। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का ले रहा, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, टेलीफोन, SMS, स्टोरेज और अदर। तो आप देख रहे हैं ये कितना चीज़ का परमिशन आपसे लेता है। तो इस तरह से आप पहले चेक कर लीजिए कि ये ऐप सही है या नहीं सही है।
तो आपको लेकिन बहुत ज़रूरत है तो आप ले भी सकते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट। ये कंपनियां करती क्या है कि यदि आपने इससे लोन लिया है और आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है तो ये कंपनियां आपको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी को फ़ोन करना शुरू कर देता है। चूँकि ये ऐप कॉन्टैक्ट का परमिशन आपसे पहले ले चुका है तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम है जो मोबाइल नंबर में सेव है सारे नंबर कंपनी के पास चली जाती है। अब आपके फ़ोन में आपके रिश्तेदार का नंबर भी होगा, उसका भी नाम आप सेव करके रखे होंगे। यदि आप इन कंपनियों से लोन लेने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये कंपनी आपके रिश्तेदार को भी फ़ोन करना शुरू कर देता है और काफ़ी परेशान करता है। इसके बाद दूसरा, ये ऐप आपसे कैमरा का भी परमिशन लेता है। कैमरा का परमिशन जब आप इसे दे देते हैं तो ये कंपनियां डायरेक्ट आपके मोबाइल का फ़ोटो हो या वीडियो हो कैप्चर कर सकती है, आपके गैलरी में जो फ़ोटो सेव हैं उसे कैप्चर कर सकती है, ब्लूटूथ को ऑन भी कर सकती है, वाईफाई को भी ऑन ऑफ कर सकती है, क्योंकि इसके परमिशन आपने इस ऐप के जरिए सारे के सारे परमिशन आपने इसे दे दिया है। जब आप इन कंपनियों की ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जब इन कंपनियों के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो इसके आपको इंस्टॉल करने के समय आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे परमिशन को आप अच्छी तरीक़ा से दे देते हैं। लेकिन इनके इंस्टॉल करने से पहले इनको अच्छी तरीके से इनके कंडीशन को टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीक़ा से देखना ज़रूरी है। जब आप इन कंपनियों के ऐप को इंस्टॉल करें तो पहले देख लें आपने क्या क्या परमिशन आपसे क्या क्या परमिशन लिया जा रहा है, इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके ब्याज रेट क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है। हालांकि मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूँगा इस इंस्टेंट ऐप से लोन लें, लेकिन जब आपके बहुत ज़रूरी हो, आपको बहुत ज़रूरी हो लोन लेना, तभी आप इससे लोन लें। आप बिल्कुल भी ये ना करें कि लोन की ईएमआई को मिस करें। आप इस लोन को महीने महीने चुकाएं। आपके दिमाग में इस बात को बिल्कुल भी ना रहना चाहिए कि इसे हमें नहीं चुकाना है, क्योंकि लोन लेने से पहले ही आपसे सारे एग्रीमेंट को इसने परमिशन ले चुका है। और आपको यहाँ पर बता दें कि आपको लोन इसलिए और मिस नहीं करना चाहिए ताकि आपके क्रेडिट स्कोर भी सही रहे, और इसके कस्टमर केयर को बात करने का तरीका भी आप बिल्कुल ही बहुत बेकार होता है। आप YouTube पर सिर्फ सर्च करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन रिकवरी कॉल, आपके सामने में बहुत सारा वीडियो खुल के आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंपनियाँ कैसा व्यवहार करती है लोन लेने के बाद। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप Paytm के जरिए भी लोन ले सकते हैं। Paytm में लोन लेने पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कंपनियाँ परेशान नहीं करती आपको, आप इसे 30 दिन के अंदर चुका देते हैं तो ये आपको आगे भी लोन आसानी से दे देती है। तो मैं उम्मीद है कि अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को बता पाया हूँ कि आप इंस्टेंट लोन ऐप जितने भी हैं सारे के सारे ऐप, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐप गलत हैं, कुछ ऐप सही भी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।